YouTube के सर्व शिक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 के लिए एक्सरसाइज 14.2 को ही कंटिन्यू करेंगे। ये हम कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, हम 3 सम पूरे कर चुके हैं, आज हम 4th सम करने वाले हैं। बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने हैं, ये हमारे पास आंकड़े हैं। भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। ये शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर प्रति शिक्षक 15 से 20 विद्यार्थी हैं, तो वहाँ पर क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 3 है। तो ये हमारे पास आंकड़े हैं, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है। तो आइए पहले बहुलक ज्ञात करेंगे और फिर माध्य। तो बहुलक ज्ञात करें, प्रीवियस आप याद करें, सबसे पहला कदम क्या होता था? जो सबसे ज्यादा बारंबारता है बहुलक वर्ग को डिसाइड करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक। इसी के अनुसार फॉर्मूले के आधारित हम करते हैं। बहुलक कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला आपको याद होगा, याद करें क्या था? एल प्लस एफ एक माइनस एफ जीरो, 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ 2 ब्रैकेट बंद गुना में h। तो ये आपका फार्मूला। इसके अनुसार यहां पर l क्या होगा? l यहां पर क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 30। कितनी? 30। h कितना है? वर्ग अंतराल का माप 5। वर्ग अंतराल का माप कितना है? 5। f1 f0 f2, f1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 10। F0 ये F1 ये F2, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता कितनी है? 9। फिर F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वर्ग अंतराल की बारंबारता, ये कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। तो सब कुछ हमने लिख लिया, फॉर्मूले में पुट कर दें। L 30 प्लस F1 10 माइनस F0 9, 2 गुणा में 10 माइनस 9 माइनस 3, F2 कितना है? 3 है। तो चलिए H 5 है, धीरे धीरे करते जाइए। 30 प्लस 1 बटा 20 माइनस 12, 9 3 12 10 गुना 20 गुना में 5, 30 प्लस 5 बटा में 8। तो 30 प्लस 5 को हम 8 से भाग दे दें, 0.6 48, 2 0 8 9 16, तो 0.62। तो बहुलक हमारा कितना आ गया? 30.62। तो आपको फॉर्मूला और दोबारा से जो एक्सप्लेनेशन है, इसके सारे हमने बहुलक को, बहुलक निकलने के बाद इसी सवाल का हम माध्य निकालेंगे। उसके लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करें? पथ विचलन विधि का इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे। माध्य पद विचलन
विधि। पद विचलन विधि, सबसे पहला कदम हमने वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, एक्स आई के द्वारा डोनेट करते हैं। इन दोनों के मध्य में 20 और 15 35 साढ़े 17 कितना 17.5। इसी तरह से 25 प्लस 20 45 बटा 2 22.5, तो कितना गैप आ गया 5-5 का, तो सारा गैप ही कितना रहेगा 5-5 का, 27.5 आ जाएगा, 32.5 आ जाएगा, 37.5, इनका 42.5, इधर 47.5, इन दोनों का 52.5। देखिए इसके बाद का स्टेप हम निकालेंगे UI। UI निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कल्पित मध्य। तो मान लो कल्पित मध्य जो A है वो कितना मान लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 ऊपर छोड़ दें 3 नीचे छोड़ दें, दोनों में से जो इच्छा है वही हम ले लें। तो मैंने क्या ले लिया 32.5 और H हमारे पास कितना है 5, वो पहले ही हम निकाल चुके हैं वर्ग अंतराल का माप। तो UI कैसे निकालते हैं, XI माइनस A बटा में H। XI पहली टर्म दूसरी टर्म ऐसे लेते जाएंगे, तो 17.5 माइनस 32.5 बटा में 5, तो कितना बच गया 15 माइनस का बटा में 5, काट के कितना आ गया 3, तो 22.5 माइनस 32.5 बटा में 5, तो माइनस 10 बटा में 5। देखिए सीरियल चल पड़ा, माइनस 3 आ गया, माइनस 2 यहाँ आएगा, माइनस 1 जब 27 से करेंगे तो कितना माइनस 1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब क्या करें, ये जो वैल्यूज आई है ये इसी फॉर्मूले के द्वारा सबकी वैल्यूज यहाँ पर आ चुकी है, FI गुना में UI। FI क्षेत्रों की संख्या 3 है, माइनस 3 है, माइनस 9, 8 गुना माइनस 2 माइनस के 16, 9 गुना माइनस 1 माइनस के 9, 10 गुना 0 0, 3 गुना 1 3, 0 गुना 2 0, 0 गुना 3 0, 2 गुना 4 8। तो हमारा मध्य निकालने का जो पद विचलन विधि है उसका क्या फार्मूला है, L प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई गुना में H। यहां देखिए सिग्मा एफ आई कितना है, 2, 3, 5, 10, 15, 15 और 9, 24, 24 और 8, 32 और 3, 35, कितना है 35। तो सिग्मा एफ आई यू आई इनका जो प्लस वाले हैं इनका सम कितना आ गया प्लस का 11 और इनका कितना आ गया 16 और 9, 9, 18, 18 और 16, 34, तो माइनस का 34, तो माइनस का बड़ा है तो कितना आ गया माइनस का 23, कितना आ गया माइनस का 23। तो L कितना है 32.5 प्लस माइनस का 23 बटा में 35 गुना में 5, 32.5, 5 एकम 5, 5 सता 35 माइनस 23 बटा में 7, तो 32.5 माइनस 23 को कितने से भाग दे दें 7 से, 7 या 21, 2 0 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56, तो 2 दशमलव तक हमने निकाल लिया, 3.28, तो माइनस कर दें 30.50 में से कितना निकाल दें 2.3, 28
दो 12 में से 3 गए 9, 29.22, ये आपका आ गया माध्य। तो उम्मीद करता हूँ आपको माध्य पद विचलन विधि के द्वारा भी अच्छी तरह से समझ आ चुका है। देखते रहिए, समझते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत